नक्सलबाड़ी आंदोलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 25 मई को राजधानी रांची के हाई टेंशन मैदान दुर्गा सोरेन चौक पर आयोजित अर्धशताब्दी समारोह के दौरान होने वाले रैली और आम सभा की तैयारी के मद्देनजर आज समारोह समिति द्वारा समीक्षा बैठक की गई। बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता में भाकपा माले, रेड स्टार के प्रदेश समिति सदस्य और नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह समिति के पलामू प्रमंडलीय संयोजक अनिल मिश्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से कॉमरेड चारू मजमुदार के नेतृत्व में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहा कि यह आंदोलन केवल भूमि कब्जा का संघर्ष नहीं था, बल्कि भूमि सहित समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों यानी हुकूमत कायम करने के लक्ष्य से अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामंती व्यवस्था को उकाड़ फेंकने का संघर्ष था। प्रदेश समिति सदस्य ने कहा कि आज भी प्रदेश में कारपोरेट लुटेरों को जमीन की लूट की खुली छूट दे दी गई है। उन्होंने अर्ध शताब्दी समारोह में पलामू जिले से 5000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई है। कार्यक्रम है हम लोग का महान नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह की अर्ध शताब्दी समारोह रांची में जो मनाया जा रहा है 25 मई 2017 को, उसी के संदर्भ में है। और आज है कि पलामू प्रमंडल में अभी तक इसकी क्या तैयारी हुई है, यहाँ से कितने लोग रांची जाएंगे, इस संदर्भ में हम लोग आज रखे हुए हैं। तो पलामू प्रमंडल से करीब 5000 लोग जाएंगे तीनों जिले मिलाकर, और 24 तारीख को सुबह से यहाँ से सब निकलना शुरू हो जाएंगे और रांची पहुँचेंगे। रांची में जुलूस में भाग लेंगे, इसके बाद आम सभा होगी। और हम लोग का यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, प्रखंड में जा रहे हैं, जाके किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, गांव के बीच बैठक कर रहे हैं। और उनको जो आज से 50 वर्ष पूर्व 1967 में जो सिलीगुड़ी के नक्सलवाड़ी स्थान पर जो आंदोलन हुआ था किसान का और मजदूर का, उस आंदोलन के महत्व को बता रहे हैं कि इस आंदोलन से गरीब लोग जगे, मजदूर लोग जगे, किसान जगे। उनको जो पहले आधा खेती करने पर नहीं हिस्सा मिलता था, अब तीन भागा हो गया। किसान जो खेती करते हैं उसमें दो भाग जो है से खेती करने वालों को मिलता है और एक भाग जो है से खेत के मालिक को मिलता है। और जोतने वाले को, हम लोग का उस समय नारा था कि जोतने वाले को ज़मीन मिलना चाहिए, तो आज भी हम लोग उसी नारे को ज़मीन पर उतारने में लगे हैं कि जो खेत जोते उसी को ज़मीन मिलना चाहिए, जो सिर्फ रिहायशी रहना चाहते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको उसी हिसाब से रहने के लिए सिर्फ ज़मीन मिले। यही सब विषय है, इस सब विषय को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन पूरे देश में जारी है।